हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ देहरादून की और एक वीडियो के साथ। चलो आज चलते हैं सहस्त्रधारा, जो है देहरादून के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है और एक ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो ये देहरादून सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ तक पहुँचने में हमें एक आवर लगे। कुछ दूरी तक सीधा रास्ता होने के बाद फिर पहाड़ी घुमावदार रोड शुरू हो जाती है यहाँ, और बहुत ही सुंदर है जगह। ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, ये बहुत ही ग्रीनरी एरिया है ये। देखिए ये पहाड़ जो है इतना सुंदर है ये जगह सच में बहुत ही सुंदर है। ऑसम ये हिल टॉप जो है ये बहुत ही पहाड़ों से नंबर ऑफ स्प्रिंग फॉल्स गिरते रहते हैं। सैकड़ों धाराएं मिलती है यहाँ, इसीलिए इसका नाम सहस्त्र धारा पड़ा। और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गुफाएं हैं और इसी गुफा के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिव जी का तपस्या की थी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग वहाँ दिखाते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे शॉप भी है, इसमें ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट का सामान बिकता है। देखिए यहाँ पे खाने का दुकान, साइड साइड में टी स्टॉल, फिर होटल अमर लीला रेस्टोरेंट, फिर होटल बहुत सारे हैं इसमें। और यहाँ एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, इसका नाम द्रिकुंग कंग्यो बुद्धिस्ट टेम्पल। ये जो ऊपर का साइन बोर्ड में लिखा है कि सहस्त्रधारा प्राचीन शिव मंदिर का प्रवेश लेफ्ट साइड में। चलो ये है प्राचीन शिव मंदिर का प्रवेश। ये ब्रिज हम लोग क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करने के बाद इसके राइट साइड में वही गुफा, वही शिव मंदिर, वही सहस्त्र धारा, ये सब कुछ हम लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में गुरु द्रोणाचार्य जी का मूर्ति है ये, और इसी के पास में जो गुफा है, ये गुफा में ही उसने तपस्या की थी। और यहाँ के ऊपर में देखिए बहुत सारे सैकड़ों धाराएं यहाँ पे गिर रहे हैं। ये देखिए ये धारा, ये धारा का पानी जो है ये बहुत ही मेडिसिनल वाला पानी है ये, क्योंकि ये सल्फर मिक्स पानी है।
कहते हैं कि ये गंधक युक्त पानी यानी सल्फर मिक्स पानी जो है इससे बहुत सारे बीमारियों को दूर करते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। और लोग यहाँ से बॉटल में भर के ये पानी लेके जाते हैं। ये है सहस्त्रधारा का नज़ारा, देखिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे झरने से पानी गिर रहे हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए पहाड़ है, यहाँ से ये पहाड़ से पानी निकलता है, ये कोई नदी वाला पानी नहीं है, इससे स्वस्थ धारा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टायर ट्यूब स्विमिंग के लिए मिलते हैं, यह रेंट में देते हैं, छोटे बड़े के लिए, बड़ों के लिए भी। बारिश के मौसम में जैसे कि मॉनसून में गए थे तो इसीलिए पानी उतना साफ नहीं देता। देखिए यहाँ का पानी और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है छोटा मोटा, यहाँ पे आप लोग खा सकते हैं चाउमीन, एक चाउमीन कॉफी चाय वगैरह चिप्स ये सब मिल जाएगा। और ये नीचे जाने का रास्ता है ये, और हम लोग और नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं ऊपर ऊपर। ये देखिए इस गुफा के अंदर में भी लोग जाते हैं लेकिन पानी है इसके अंदर। मुझे ये गुफा देख के याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। तुम्हें कहाँ आ रही, कहाँ गलत रास्ते पे आगे में पहाड़ की तरफ जाने वाली थी।
लेकिन ये नीचे की तरफ जाना है हम लोगों को। ब्रिज लगाए हैं तो ये ब्रिज से इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ से भी लोग होटल या होटल रुकने के लिए है, दुकान है, इसमें रेस्टोरेंट है और नहाने का कपड़ा ये सब कुछ चेंजिंग रूम भी मिलते हैं यहाँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पानी भी पानी है चलो अभी हम लोग दर्शन करते हैं। और यहाँ पे द्रोण गुफा और शिव मंदिर है, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी इसी द्रोण गुफा के अंदर में। देखिए यहाँ से जाते हैं ये देखिए अंदर में है, इसी जगह पे ही गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। हम लोग द्रोण गुफा से हम लोग निकल के अभी सामने और एक शिव मंदिर है और इसके बाद और इसके आगे है वैष्णव देवी का मंदिर यहाँ पे। ये देखिए ये जय वैष्णव देवी। और इसके बाद तो हम लोग अभी निकल गए हैं वहाँ से। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अंधेरा भी हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, सच में इट्स वर्थ इट। और फिर यहाँ पे टूरिस्ट चार्ज भी देना पड़ता है और यहाँ कार फोर व्हीलर के लिए 30 रुपीज़ और 10 रुपये टू व्हीलर के लिए। और इसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। और थोड़ा दूर जाने के बाद एक व्यू पॉइंट था, वहाँ पे उतर के मैंने देहरादून का नाइट व्यू देखा, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। देखिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। ये देहरादून का नाइट सिटी देखने के बाद ही बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग के माइंड में स्ट्राइक हुआ कि हम लोगों को कुछ खाना है। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं एक कैफेटेरिया में, जो सैनिक कैफेटेरिया है, उसमें ओलिविया कैफ़े है, तो वहां पे जाके हम लोग ने खाया, मंगवाया एक तो कैपेचिनो चाय और उसके बाद डोनट खाया, फिर इसके बाद केक खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हम लोग
इस कैफ़े को बाय बाय टाटा रेटिंग दे के फिर हम लोग घर की तरफ हम लोग निकल पड़े। आप लोगों को कैसे लगा ये सहस्त्रधारा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।